दोस्तों जब आप वर्डप्रेस या ब्लॉगर में अपना वेबसाइट बनाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला चीज आता है डोमेन नेम। इस चैनल में डोमेन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है जहां पे मैंने आपको बताया है डोमेन नेम क्या है, डोमेन काम कैसे करता है, डोमेन का इंपॉर्टेंस क्या है, डोमेन इन्वेंट क्यों हुआ, कौन सा डोमेन नेम आपके वेबसाइट के लिए अच्छा है, टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, एक स्पेसिफिक ब्लॉग या वेबसाइट के लिए डोमेन नेम कैसे चूज करना चाहिए, इन सभी के बारे में अगर आपको जानना है तो ये वाला वीडियो आप चेक कर लेना। थ्योरी वाला पार्ट तो इस वीडियो में डिस्कस हो चुका है और आज का वीडियो प्रैक्टिकल होने वाला है। आज जानेंगे डोमेन कैसे खरीदें, कहां से आप डोमेन बाय कर सकते हो, डोमेन रजिस्टर कैसे करें और डोमेन को अपने होस्टिंग के साथ कनेक्ट कैसे करें। दोस्तों डोमेन हमेशा एक अच्छे प्रोवाइडर से ही बाय करना चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जहां पे आपको एक साल के लिए डोमेन बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है, बट जब आप एक साल बाद डोमेन रिन्यू करने जाओगे तो आप देखोगे उन्हीं वेबसाइट में डोमेन रिन्यूअल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप ऐसे वैसे डोमेन प्रोवाइडर से डोमेन बाय कर लेते हो तो होस्टिंग के साथ डोमेन कनेक्ट करने में भी बहुत सारी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, इसीलिए डोमेन हमेशा एक ट्रस्टेड कंपनी से ही बाय करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे अच्छे डोमेन प्रोवाइडर है बट कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स जैसे कि GoDaddy, Hostinger, Namecheap, BigRock, इन वेबसाइट से अगर आप डोमेन परचेज करते हो तो आपको डोमेन रिलेटेड कभी कोई इश्यूज फेस नहीं करना पड़ेगा। मैं पर्सनली GoDaddy और Hostinger को प्रेफर करता हूँ, इन्हीं से मैं डोमेन बाय करता हूँ और इन वेबसाइट में जब भी आप डोमेन को रिन्यू करने जाओगे तो हर बार आपको मिनिमम 25% से 40% तक डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इन सभी डोमेन प्रोवाइडर का कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। डोमेन कैसे और कहां से खरीदे ये तो आज के इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा, बट जब आप डोमेन को रिन्यू करने जाओगे तो रिन्यूअल कॉस्ट के ऊपर कैसे आपको डिस्काउंट मिलेगा, कूपन कोड आपको कहां से मिलेंगे, कहां से आप कूपन कोड को फाइंड करोगे, कूपन कोड को अप्लाई कैसे करोगे, ये भी आज के इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों डोमेन रजिस्ट्रेशन के मामले में GoDaddy वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है। मैंने अपने कई सारे डोमेन्स GoDaddy में रजिस्टर करवा के रखे हैं, कई सालों से मैं GoDaddy का यूज कर रहा हूँ, आज तक मेरे एक भी डोमेन पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। दोस्तों GoDaddy का URL है GoDaddy.com। तो चलिए सबसे पहले GoDaddy में एक बिल्कुल फ्री में अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे जो साइन इन का ऑप्शन है इस पे क्लिक करना होगा। अगर आपका GoDaddy में ऑलरेडी अकाउंट है तो आप इन बटन पे क्लिक कर सकते हो और अगर आपका अकाउंट नहीं है, फ्री में एक अकाउंट बनाना चाहते हो तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के बटन पे क्लिक करना होगा आपको। यहाँ पे फिर से आपको एक क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे क्रिएट एन अकाउंट का एक फॉर्म आपके सामने चला आएगा, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना होगा, यहाँ पे अपने हिसाब से एक यूजर नेम चूज करना होगा। देखिए मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी इनपुट कर रहा हूँ और जैसे ही मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे इनपुट करूंगा वैसे ही ऑटोमेटिकली मेरा ईमेल ही मेरा यूजर नेम बन जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप दूसरा कोई यूजर नेम रखना चाहते हो आप कर सकते हो। अभी आपको एक ऐसा पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा जिसको आप याद रख सकते हो, जो पासवर्ड स्ट्रांग हो, और फिर आपको यहाँ पे नीचे क्रिएट अकाउंट का जो बटन है इस बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा, GoDaddy का अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। हाँ, आपके ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, उस पे आप बाद में भी क्लिक कर सकते हो। दोस्तों हमारा GoDaddy का अकाउंट तो क्रिएट हो गया है, अभी हम चाहे तो यहाँ पे डोमेन को सर्च कर सकते हैं और उस डोमेन को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डोमेन सर्च करने का बॉक्स है, बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बता देना चाहता हूँ जो कि डोमेन परचेज करने से पहले, एक न्यू डोमेन रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अगर आप किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोमेन परचेज कर रहे हो तो आप जिस टॉपिक के ऊपर अपना ब्लॉग या वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हो वो टॉपिक आपके डोमेन में अगर रहे, वो कीवर्ड अगर आपके डोमेन में रहे तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। मान लीजिए आप ब्लॉगिंग के ऊपर एक ब्लॉग बनाना चाहते हो तो आपके डोमेन में अगर ब्लॉग कीवर्ड रहे या वर्डप्रेस कीवर्ड रहे, अगर ब्लॉगर के ऊपर आप लिख रहे हो तो ब्लॉगर कीवर्ड रहे तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ ही अगर आपका डोमेन नेम 15 कैरेक्टर से कम का है तो वो अच्छा डोमेन माना जाता है, वो बहुत जल्द रैंक हो जाता है। तो चलिए एक डोमेन को सर्च करते हैं और उस डोमेन को रजिस्टर करते हैं। मैं यहाँ पे rajdeepmishra.com डोमेन को सर्च करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप सिंपली राजदीप मिश्रा या आपका जो डोमेन का नाम चाहिए वो लिख के भी आप सर्च कर सकते हो, उसका जितना भी एक्सटेंशन होगा .com .in वो सारा कुछ नीचे दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो rajdeepmishra.com जो डोमेन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ये क्यों ग्रेट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, राजदीप मिश्रा 15 कैरेक्टर से कम का है और .com अवेलेबल है। इसके नीचे अलग अलग एक्सटेंशन के सारे डोमेन्स आप देख सकते हो, .in डोमेन का प्राइस 149 है और जितने भी इसके अलग अलग एक्सटेंशन के डोमेन है वो सब कुछ आप नीचे देख सकते हो। अभी देखिए मैं यहाँ पे अगर rajdeepmishra.in डोमेन को सर्च करता हूँ तो उसका प्राइस मुझे यहाँ पे कम पड़ता है। जब मैं इसको रिन्यूअल करवाऊंगा तो 599 रुपीज़ में रिन्यूअल करवा सकता हूँ,
जबकि जो .com वाला डोमेन होता है उसको जब मैं रिन्यूअल करवाऊंगा तो यहाँ पे मुझे 1049 रुपीज लगेगा। हालांकि रिन्यूअल के टाइम पे भी आप बहुत ज्यादा पैसे बचा सकते हो, उसका भी प्रोसेस मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। आज के इस वीडियो में देखिए मैं कैसे इस डोमेन के ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेता हूँ और कुछ पैसे को सेव करता हूँ। डोमेन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके डोमेन का प्राइस और जितना भी डिस्काउंट रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा। आप अपने डोमेन को चाहो तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए भी रजिस्टर करवा सकते हो। 2 साल में यहाँ पे मुझे 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू टू कार्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही आप कंटिन्यू टू कार्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को आपको परचेज करने के लिए बोला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे फुल डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन, जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे नो थैंक्स कर देता हूँ। दोस्तों, डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन अगर आप परचेज करते हो तो कोई भी आपके डोमेन नेम से ये पता नहीं लगा पाएगा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, या ये डोमेन जो आपका चल रहा है ये किसके नाम से रजिस्टर किया हुआ है। सेकेंडली, आपको यहाँ पे प्रोफेशनल ईमेल परचेज के लिए बोला जा रहा है, जो कि हम यहाँ पे नहीं करने वाले, क्योंकि प्रोफेशनल ईमेल को आप बिल्कुल फ्री में रजिस्टर करवा सकते हो। वो भी कैसे करवाना है मैं आपको आगे चल के इसी चैनल में सिखाने वाला हूँ। आखिर में यहाँ पे होस्टिंग परचेस करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि हम गोडैडी से नहीं करेंगे। गोडैडी डोमेन के लिए अच्छा है, होस्टिंग के लिए उतना भी अच्छा नहीं है। कंटिन्यू टू कार्ट के बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके डोमेन का प्राइस और डिस्काउंट यहाँ पे शो करेगा। बट डोंट वरी, हम इस पे भी एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट लेने वाले हैं। हालांकि ये जो प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है ये एक्सक्लूडिंग टैक्स है, इसके ऊपर टैक्स भी इंक्लूड होगा और उसके बाद हम इसमें डिस्काउंट लेंगे। दोस्तों, गोडैडी में अगर आप डोमेन या होस्टिंग या किसी भी वेबसाइट में जहां पे आप डोमेन या होस्टिंग को परचेज कर रहे हो तो वहां पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के 2 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है आप कूपन को फाइंड करो, डिस्काउंट कोड को फाइंड करो, कई सारे कूपन वेबसाइट आपको गूगल में सर्च करने पे मिल जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन होता है, यहाँ पे साइड में आप चैट नाउ का बॉक्स देख सकते हो, आप सिंपली गोडैडी के कस्टमर सपोर्ट टीम के साथ बात कर सकते हो और अपने लिए स्पेशल कोई डिस्काउंट कोड ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं चेकआउट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ये जो फॉर्म है यहाँ पे बेसिकली आपके अपने डिटेल्स फिल करना पड़ता है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम फिल कर रहा हूँ, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करूंगा, अपना एड्रेस, जो पोस्टल कोड वगैरह होगा, एड्रेस होगा, स्टेट होगा, ये सब फिल करना पड़ता है। अगर आप डोमेन या होस्टिंग परचेज करते हो तो ये सब आपको देना पड़ता है। तो अपने डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे पेमेंट का पेज आ जाएगा। पेमेंट आप कई तरीके से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, यहाँ पे वॉलेट का भी आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड का यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं कार्ड को ऐड कर लेता हूँ। अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अपने पेमेंट मेथड को ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो एक प्रोमो कोड गोडैडी के तरफ से ऑलरेडी अप्लाइड है, या अगर आप किसी कूपन वेबसाइट का यूज कर चुके हो तो उस कूपन वेबसाइट का प्रोमो कोड भी यहाँ पे ऐड रह सकता है। इसी प्रोमो कोड को हमें चेंज करना है और आप देखोगे यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये वाला जो प्रोमो कोड है इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। और यहाँ पे अभी आप प्राइस देखिए, 1248 का जो पहले प्राइस शो हो रहा था, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 1123 रुपीज यहाँ पे शो कर रहा है। जो पहले हमें 40% ऑफ दिया जा रहा था वो अभी 46% यहाँ पे ऑफ दिया जा रहा है। अभी यहाँ पे कंप्लीट परचेस का जो नीचे बटन दिया हुआ है, इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये डोमेन आपका परचेस हो जाएगा। फ्रेंड्स, कूपन कोड्स टाइम टाइम पे चेंज होते रहते हैं। आज जिस कूपन कोड को मैंने अप्लाई किया, हो सकता है जब आप अपना डोमेन परचेज करोगे आपके लिए ये कूपन कोड एक्सपायर हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और कमेंट सेक्शन में चेक करना है। वहां पे मैंने लेटेस्ट कूपन कोड प्रोवाइड करके रखे हैं, जो मैं टाइम टाइम पे अपडेट करता रहूंगा। वहां पे जितने भी कूपन कोड्स आपको दिखेंगे वो सभी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आज मुझे बस 46% का डिस्काउंट मिला है, इससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। टाइम टाइम पे डिस्काउंट चेंज होता रहता है, कभी आपको 30% भी मिल सकता है, कभी आपको अप टू 55% 60% तक भी मिल सकता है। यहाँ पे आपको रिसिप्ट मिल चुका है। अभी अगर आप अपने डोमेन को यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले गोडैडी के साथ अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले वेरीफाई नहीं किया था। तो आप अपने ईमेल पे जाओगे, कुछ इस तरीके का एक वेरिफिकेशन मेल आएगा, वेरीफाई ईमेल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके से अपना गोडैडी अकाउंट को आप वेरीफाई करवा सकते हो अपने ईमेल अकाउंट के साथ। अभी आप अपने डोमेन को जैसे मर्जी यूज करें, चाहे ब्लॉगर में चाहे वर्डप्रेस में, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे ऑटो रिन्यूअल हमेशा ऑफ रखना, वरना क्या होगा, अगर आपने किसी एक ऐसे डोमेन को परचेज किया जिसको आप बाद में रिन्यू नहीं करवाना चाहते, तो जैसे ही ये टाइम पीरियड खत्म होगा, मैंने 2 साल के लिए डोमेन परचेज किया है,
तो जैसे ही टाइम पीरियड खत्म होगा तो ये ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो तो। यहाँ पे आपका कस्टमर आईडी शो करेगा और यहाँ पे पिन शो करेगा जिसको आप इस व्यू वाले बटन पे क्लिक करके शो कर सकते हो। अगर आपको किसी भी टाइप का सपोर्ट चाहिए GoDaddy से तो आपको ये जो कस्टमर आईडी है ये GoDaddy टीम को बताना होता है और अपना पिन बताना होता है और वो आपको हेल्प कर सकते हैं। आज आपने सीखा ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट के साथ डोमेन कैसे बाय करना है। नेक्स्ट वीडियो में आप सीखोगे ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट के साथ कैसे आप होस्टिंग परचेज करोगे और उस होस्टिंग के साथ अपने डोमेन को कैसे कनेक्ट करोगे। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने फोन एंड ईमेल में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को एनेबल करें। प्लीज सपोर्ट दिस वीडियो, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे और भी वीडियोस बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।